हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम एचसी वर्मा चैप्टर 7 सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम नंबर 20 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, अ कार गोज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर। द स्पीड इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट डीवी बाय डीटी इक्वल टू ए। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर इज म्यू। फाइंड द स्पीड एट विच द कार विल स्किड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपको एक्सेलरेशन दी हुई है, टांजेंशियल एक्सेलरेशन, जिस रेट से वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है वो डीवी बाय डीटी है, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट रोड और टायर के बीच में म्यू है। तो किस स्पीड पर कार स्किड करेगी ये हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो दी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड डीवी बाई डी टी इक्वल टू ए, ठीक है। और हम देखिए, ये सपोज आपका सर्कुलर रोड है, ठीक है, एग्जैक्ट सर्कल होगा ये, और यहां पर आपकी इस इंस्टेंट पे सपोज वेलोसिटी भी है, ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो दी हुई है डीवी बाई डी टी है, डीवी बाई डी टी इक्वल टू ए, ठीक है, और रेडियल डायरेक्शन में आपका वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, एक्सेलरेशन उस टाइम जो भी है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। लेट वी बी द वेल स्पीड, वी बी द स्पीड एट विच कार विल स्किड, एट विच कार विल स्किड, ठीक है, और जिस टाइम स्किड करेगी उसकी टांजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी होगी, इज डीवी बाय डीटी होती है टांजेंशियल एक्सेलरेशन आपकी, जिस रेट से आपको वेलोसिटी चेंज होती है, और ये दी हुई है ए, एंड रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन है हमारा इस टाइम जब कार स्पीड होगी, ए आर सी से हम डिनोट कर रहे हैं, ये है वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, रेडियस दी हुई है सर्कुलर पाथ की आपको आर। चलिए, तो नेट एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ए, ए रिजल्टेंट इसे शो करते हैं, ए आर इक्वल टू अंडर रूट रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टांजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ए आर स्क्वायर रेडियल प्लस टांजेंशियल ए टी स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारी दी हुई है आपको ए आर स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर है, ए आर स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट v स्क्वायर बाय r होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि टांजेंशियल एक्सेलरेशन a स्क्वायर दी है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ये है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा ऊपर मूव कर लेते हैं, अब देखिए जिस टाइम स्कीड करेगी, ठीक है, एट टाइम ऑफ स्किड, ठीक है, और जिस टाइम टेंस टू स्किड होगा, फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रहा है, फोर्सेस ऑन कार आर, ठीक है, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं कार की, सपोज ये ब्लॉक ही हमारी कार है, तो नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और वेट ऑफ द कार वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स है हमारा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर फोर्सेस को लिस्ट कर लेते हैं हम, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन, अपवर्ड्स, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी हो गया, mg downwards,
थर्ड फोर्स होगी फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एफ, ठीक है। अब देखिए इन वर्टिकल डायरेक्शन जो है कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, इन वर्टिकल डायरेक्शन देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा फोर्सेस बैलेंस हो जाएगा, नो एक्सेलरेशन, देयरफॉर एन इक्वल टू एम जी, ये हमारा इक्वेशन नंबर टू। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम देखें, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए सिर्फ एक ही फोर्स है और एक्सेलरेशन हमारी नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए आर जो कि हमें वन से मिल जाएगी, ओनली फोर्सेस, फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज ए आर, ठीक है। तो एफ इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन एम ए आर, ये हमारी इक्वेशन नंबर थ्री हो गई, ठीक है। अब देखिए ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो एक्ट कर रही है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है आपकी, एज एफ इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन, ठीक है। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एम ए आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी यूजिंग टू एंड थ्री, ठीक है। तो म्यू टाइम्स एम जी हो जाएगा, म्यू टाइम्स एम जी यूजिंग टू एंड थ्री, तो यहां से हम देखिए एम दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा एन एच एस आर एच एस में और ए आर की वैल्यू हमें वन से मिल जाएगी, तो ये हमारी है वी स्क्वायर बाय आर होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी, यहां से हो गई v टू द पावर 4 बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर g स्क्वायर और यहां से v टू द पावर 4 इज लेस देन म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू r स्क्वायर, देयरफॉर v इज लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आर स्क्वायर टू द पावर 1/4, हेंस कार विल स्कीड एट अ स्पीड ऑफ वी इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर होल टू द पावर 1/4। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।